डेढ़ कटोरी सूजी ली है, इसमें मैं गरम गरम तेल डालूंगी और गरम तेल के साथ इसको अच्छे से मिलाऊंगी। ये देखो, गरम तेल डालने के बाद इसको अच्छे से मसलना है दोनों हाथों से, ताकि तेल जो है सूजी के अंदर समा जाए। और ऐसे होना चाहिए, एकदम डला बनना चाहिए मुट्ठी के अंदर। तो इसका मतलब तेल सूजी के अंदर समा गया है। अब मैंने गुनगुने पानी से इसको गूंथूंगी अच्छे से कम 5 मिनट तक इसको गूंथना है, ऐसे पटक पटक के, तो एकदम मुलायम हो जाएगा। और इसके अंदर देखो, मैं भी दिखाती हूँ इसको, आटे को। ये देखो कितना अच्छा गूंथ गया है, इसका मतलब ये कि हमारा आटा एकदम तैयार हो चुका है। अब इसको मैं छोटी छोटी लोई बनाऊंगी। लोई बनाने के बाद हल्का तेल लगा के इसके ऊपर इसको थोड़ा सा बेलूँगी, पतला पतला। और छोटी छोटी लोई ना, ज़्यादा पतली भी मत करना बहुत, और बहुत मोटी भी नहीं। और ये गरम गरम तेल में मैंने ये लोइयाँ डाल दी बेल के, और सारे गोलगप्पे देखो कितने अच्छे फूल चुके हैं। आप भी बना सकते हो। आपको अगर आटा गूंथना आ गया और तेल का टेम्परेचर देखना आ गया कि कितना गर्म करना है, तो आप आराम से बना सकते हो। बस आटे को सेट करके रखना है। ये देखो सूजी का आटा जो होता है। अब हमारे गोलगप्पे अच्छे से फूल चुके हैं। ऐसे मैंने सारी लोइयाँ बेल के रखी हुई थी, तो मैंने इसमें डाल दी फटाफट। और आप 1 से 2 से 3 से ज़्यादा डाल सकते हो, फटाफट सारी अच्छे से बेल जाए, फूल जाएंगी। अब बहुत प्यारा कलर भी आ जाता है इनमें। ये देखो अच्छे से फूल चुकी है ना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में लिखना कि आपको मेरे गोलगप्पे कैसे लगे, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना। ये मैं गोलगप्पे का पानी बना रही हूँ, इसमें मैं जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, काला नमक, इमली का पानी और एक नींबू निचोड़ दिया मैंने इसमें, जलजीरा पाउडर और ये बूंदी, और पुदीने के पत्ते डालूँगी इसमें। ये मैंने पुदीने के पत्ते डाल दिए। ये पानी तैयार हो चुका है। और अब ये देखो, फोड़ के दिखाती हूँ। इसके अंदर मैं आलू डाल दिए, और ये मैंने मीठी चटनी डाल दी, और गोलगप्पे का पानी के साथ आप खा सकते हैं।